एक लंबे टाइम के बाद मैं काउच सर्फिंग ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे इसकी किचन है, ये वाली, और इस तरफ ज़रा सा बाथरूम है। 300 दिनार्स देकर आपको 7 दिन के लिए सिम मिल जाएगी। कैन आई यूज़ माय कार? यस यस। ऑलराइट, एक जनाब से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इंडिया से हैं। कशा है तुम्हें? अरे मैं मस्त है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई। गाँव जो बोलते हैं वो सांगली है। मैं जनाब के साथ जा रहा हूँ, उनके घर 70-80 किलोमीटर दूर है। क्या नाम है इस कंट्री का? सर्बिया की लोकल बस में, एक इंटर सिटी बस में बैठने का पहला मौका था। अच्छा था, काफ़ी कंफर्टेबल थी, एसी बस थी, 850 रुपये के आसपास, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस, बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच। वाला गुड बाय। गुड बाय। हमारे पास दो ऑप्शन है जी, या तो हम पहले घर जाए, हाँ फिर निकले जी, या तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा पार्क है। अच्छा, हम अभी यहीं पे कुछ कॉफ़ी वॉफी पे के रिफ्रेश होके राइट डायरेक्ट पार्क चलें और फिर बाद में घर जाएं। चॉइस इज योर्स। ये जो ऑटो बस का स्टैंड, दिस इज द बस स्टेशन। ये बस स्टेशन इस शहर का है? इस शहर का है। तो ये प्राइवेट कंपनी क्यों लिखी हुई है? ये जहाँ पर ना 50-50 चलता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज का, पब्लिक अपने यहाँ पर। अच्छा, इंडिया में फंडा क्या है वो, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। अच्छा, तो ये भी वैसा ही है? बेलग्रेड का जो वो जो बस स्टेशन था वो मेन बस स्टेशन था, हाँ, वो किसी और कंपनी के अंडर है। अच्छा, ये पुजारविच का, ये अराइवा के अंडर है। अराइवा के अंडर, लेकिन अराइवा इज द बस कंपनी। हाँ, लेकिन दूसरे कंपनी की भी बसेज यहाँ पर आती है। बाहर बैठना चाहोगे अंदर? जहाँ चार्जिंग पॉइंट्स ले जाए। चार्जिंग पॉइंट अंदर ऐसे रख देंगे एक, हाँ मेरी एक बैटरी खत्म हो गई है कैमरा की, तो चार्जिंग पॉइंट्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है मुझको। ये सर्बिया का लेडीज जेल है। लेडीज जेल, वुमेन जेल, वुमेन जेल, रिजर्व फॉर वुमेन। हाँ, तो कोई भी रेट का क्राइम हो, इफ द वुमेन इज इम्प्रिजन्ड शी इज ओवर हियर। अच्छा, अलाउड है ना, मतलब शूट कर रहा हूँ मैं, ऐसे तो कभी सुना नहीं है मना करते हुए। हाँ, क्योंकि सामने से भाई साहब आ रहे हैं, लग रहा है जैसे पुलिस में। Not allowed. Dog introduction, tearing flowers and branches, fire burning, damage to mobiliars, incorrect. Google Translate app का इस्तेमाल करके आप ऐसे बहुत सारी languages के text को इस तरीके से translate कर सकते हैं। Great. मगर ये actually बिल्कुल nature में बना हुआ है, ये nature ही है। जंगल के बीच में एक खूबसूरत पार्क बना दिया है। हमें अगर ऐसे जगह की लुफ्त उठाने होंगे, हाँ, तो हमें literally आउट ऑफ शहर प्लान बना के चलना पड़ता है, यार दोस्तों को लेके, यार चला उस जगह चलते हैं, सुबह के शाम को आए। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है। कितना ज़्यादा सुंदर है ये, मतलब सच में ये लाइफ बिताने वाली जगह है। यहाँ पर आप रह के यानी यहाँ आने का पश्चाताप जिंदगी बिल्कुल भी नहीं है। अरे पश्चाताप क्यों होगा? ये इन्होंने ऐसे ही एक डेमो हाउस बना के रखा है लोगों के लिए। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, लॉग हाउस की तरह बना के रखा है, पूरा लकड़ी से। शाम के 5:45 बज रहे हैं और पुजारविच में पहुंचा दिया गया है, ले आया गया हूं। बहुत शांति है, नेचर, जंगल है चारों तरफ, और उस जंगल के बीच में एक छोटी सी सड़क यहां से गुजरती है। मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि मुझे धीरे बात करना इस वक्त अच्छा लग रहा है, बल्कि मुझे सच बताऊँ तो अपनी भी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ नेचर की शांति है और यहाँ पर झरना बहता है जो इस वक्त सूख गया है। काश वो होता तो मैं और कुछ देर इन बेंचेस पर बैठता और बस बैठा रहता, और इस तरह महसूस करने वाला शायद मैं अकेला नहीं हूँ। वहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं उस तरफ, इधर दो लड़कियाँ बैठी हुई थी अभी इन बेंचेस पर। ये जगह इसलिए बनी हुई है कि लोग यहाँ पुजारविच, जो एक छोटा सा गाँव यह एक कस्बा है, यहाँ के लोग आ सकें और अपने साथ कुछ टाइम बिता सकें, अपने साथ। ये जो अपने साथ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने लिए, अपने साथ, अपनों के साथ में जो टाइम बिताने वाला जो कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में कहीं गुम है, और वो चीज़ मुझे यहाँ फील होती है।
अपने साथ, नेचर के साथ में, और अच्छा लगता है सच में यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगता है। ये करने के लिए हम अक्सर हिमालय चले जाते हैं, हम अक्सर गोवा चले जाते हैं, हम अक्सर महाबलेश्वर चले जाते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं ये सुकून, लेकिन यहाँ हिमालय, महाबलेश्वर, सिक्किम, गोवा तो हर शहर में बसा हुआ है, कस्बे में बसा हुआ है। ये पता नहीं इस इलाके की खासियत है जिसको यूरोप कहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मतलब सुकून, इत्मीनान जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको अगर समझना हो तो बेलग्रेड या जो बड़े शहर हैं उन सबसे बाहर निकलना होगा। जो एक्चुअल टूरिज्म जिसको हम सोचते हैं, कहते हैं, जिसमें लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन, साइट सीइंग है, उनको करने के बाद में, करिए वो, उनको करने के बाद में थोड़ा सा दूर आने की ज़रूरत है ऐसी छोटी जगहों पर। मेरे ख्याल से शायद ट्रैवलिंग लाइफ और बहुत सारी और चीज़ों के असल मायने यहाँ आकर समझ में आते हैं। हम इंडियंस हैं ना, और एक आदत है हमारे में, हम कहीं भी जाते हैं ना, हम बहुत सारे कपड़े बैग्स भर के लेके जाते हैं, और हम एक्सपेंसिव होटल्स में रहना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली वेस्ट ऑफ मनी है, बिकॉज हम पूरा दिन बाहर निकलते हैं होटल में सिर्फ सोने के लिए जाते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर इंडियंस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को चेंज कर ले एंड दे गो फॉर अ डिसेंट B&B, दे कैन एंजॉय मोर ऑफ द अदर एरियाज एंड दे कैन स्पेंड दैट मनी फॉर टूरिज्म मोर। नाउ वी स्पेंड मोर मनी ऑन एकोमोडेशन विच इज़ अ वेस्ट। या आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपके व्यूज़ लोग सुनेंगे, पहुँचेंगे, जिनको अच्छा लगेगा ज़रूर करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। वर्कशॉप टाइप। ये है वो घर जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। काश ये मेरा घर होता। नहीं, मुझे अपना घर ऐसा नहीं चाहिए, बस रहने के लिए मिल जाए ऐसी जगह पर एक बार, मतलब कुछ दिनों के लिए सही, इंटरनेट अच्छा हो, मज़ा आएगा यहाँ पर, वीडियोस एडिट करूँगा बैठ के, सुबह सुबह घूमने जाऊँगा, खाने को मिल जाए बस, कोई बना के दे दे, उतना काफ़ी है। मतलब कोई भी, अरे वाह बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, मतलब रोड ट्रैफिक अलाउड नहीं है ना, म्यूजिक ग्रुप भी होता है, गिटार विटार बजा के गाना वाना बजाते रहता है। विनायक भाई बता रहे हैं कि ये सेंटर है और सड़क बंद कर रखी है पूरी तरीके से। क्यों बंद कर रखी है? कोई यहाँ प्रधानमंत्री पास नहीं हो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बुज़ुर्ग आएंगे जाएंगे, बच्चे खेलेंगे, बस इसके लिए ये सड़क बंद की हुई है। उस तरफ से कोई यहाँ पर व्हीक्यूलर ट्रैफिक, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, इसलिए सड़क बंद कर दी है। अच्छा है यार, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं ना जो अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब माहौल यहाँ का ना बड़ा एनर्जेटिक सा, बड़ा लाइव हैपनिंग सा लग रहा है, और ख़ास तौर पे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। अपने यहाँ पर भी काश ऐसा हो, सड़कें बंद कर दो, बच्चे लोगों को निकलने दो सड़कों पर, खेलने दो, घूमने दो, मस्ती करने दो, हो सकता है कि अपने यहाँ पर ऐसा। Thank you.
मास्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि एक सुपरमार्केट में आया था, लोकल सुपरमार्केट है एक, और यहाँ बड़ी अच्छी चीज़ मिली। ये मैंने एक्चुअली विनायक भाई के घर में देखा था। ये हैं मेरे बेसिकली ट्रैवल अडाप्टर हैं। ये मैंने चार ले लिए। एक ऐसा है, ये वाला यूरोपियन पिन है, ये सिर्फ 70 दिनार का, मेरे ख्याल से करीब 50 रुपये के आसपास का है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, इसके नहीं होने की वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऊपर चाइनीज़ स्टोर है शायद, वहाँ से लिया है, ये सस्ता मिल गया। क्यों मैंने मास्क लगा रखा ये समझ में नहीं आ रहा। बाहर तो मैं बिना मास्क के बात कर सकता। विनायक भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, एक अपडेट मैं आपको बता दूँ। ये जो सड़क बंद रहने वाला जो प्रोग्राम मैंने बताया था ना आपको, ये सिर्फ 3 महीने बंद रहती है ये सड़क, मतलब ये भी उनमें से एक ही सड़क है, ये 3 महीने बंद रहती है। तो और इसके पीछे कारण ये है, यूरोप है और यहाँ पे लोग समर्स को बहुत एंजॉय करते हैं। तो जब जब गर्मी आती है, समर आती है, 3 महीने की सिर्फ शाम को, दिन में चालू रहती है। अच्छा, दिन में चालू रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। शाम को 5 या 6 बजे के बाद में बंद करते हैं और रात को कुछ 10 या 11 बजे तक। बट अच्छा है, अपनी फैमिली के साथ में आपको एक अच्छी जगह मिल जाती है टाइम बिताने के लिए। मुझे ऐसा लगा, बल्कि बेलग्रेड में टूरिस्टिक क्राउड बहुत ज़्यादा था। आप थोड़ा सा वहाँ से हटकर रियल सर्बियन कल्चर अगर देखना चाहते हैं, सर्बियन फील एक्चुअली, तो वो यहाँ इस तरह की जो छोटे कस्बे हैं वहाँ आया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? मैं तो बेसिकली यही कहूँगा कि कभी भी जाओ घूमने तो जो मोस्ट कॉमन टूरिस्ट प्लेस है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, उसको सिर्फ देखो। और जो छोटी छोटी जगह होती है ना, वहाँ पर देखने जैसा बहुत कुछ होता है। टूरिस्ट प्लेस जो है ना, वो कमर्शियलाइज बन चुकी होती है। ठीक बात है। सो आप वहाँ पर एंजॉय नहीं कर पा सकते हो, कमर्शियली आपको लोग जानते हैं, वहाँ पर बिजनेस ही देखेंगे आप जाओगे तो। छोटी जगह पे जाओगे तो लोग बिजनेस नहीं देखते, वो लोग देखते कि यार कोई जानने आया है। ठीक बात है, ये पॉइंट तो है, मतलब वो कमर्शियलाइज नहीं होती है ना, तो लोगों के अंदर वही जो थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी वाला, हॉस्पिटैलिटी और वो जो वार्मथ होती है, वो ओरिजिनलिटी रहती है। अदरवाइज तो होती है बेलग्रेड जैसे बड़े टूरिस्ट, वो तो लेकिन वहाँ कमर्शियली होती है ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर वो फेक स्माइल्स होती हैं, बहुत सारी फेकनेस होती है, लेकिन वो उनका प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ टुडे। मैं एक कॉफ़ी शॉप में बैठा था बेलग्रेड में, मैंने कॉफ़ी मंगाई। अब उसे नहीं पता कि मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ। बंदा आता है, मुझे बिल देता है और मुझे एक्सप्लेन करने लगता है कि ये सिर्फ बिल है, इसमें टिप्स वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, देखिए ये सिर्फ बिल का पैसा है, जबकि मुझे पता है कि उसमें टिप का फैक्टर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो फिर भी इनडायरेक्टली मांग रहा है। अच्छा, लेकिन आप अगर इस सिटी में कहीं भी जाओ, ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आपके पास 10-20 दिनार कम भी होगा ना, छुट्टा नहीं होगा, तो वो छोड़ देगा। वाओ, ये बेसिकली छोटे शहरों में, गांव में, जैसे पुजारेविस की ना एक बड़ी खास बात है, खास बात हमारे लिए इसलिए, कब आई थी तुम? 2019 में आई थी, जनवरी में, 2019 जनवरी में फिल्म आई थी उरी। फिल्म 2019 जनवरी में आई थी, उसकी शूटिंग भले ही वो सब्जेक्ट था कश्मीर का, वो कश्मीर दिखाया गया, लेकिन जनाब शूटिंग हुई थी इसकी यहाँ सर्बिया में, सर्बिया ही नहीं, सर्बिया में शूटिंग हुई थी। और विनायक भाई हमारे, ये उस फिल्म का बहुत ही अहम हिस्सा थे। अहम नहीं, एक हिस्सा थे। चलो आप, अहम हिस्सा तो आर्टिस्ट डायरेक्टर्स और हम होते, हम तो सपोर्टिंग। आप नहीं होते तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती ना, आपकी जगह किसी ना किसी और को लेना पड़ता, या कोई कुछ ना कुछ तो रोल है ना। नो वन इज नॉन रिप्लेसेबल, आप अहम हिस्सा नहीं थे बस। तो लेकिन हाँ, ये उस टीम का पार्ट थे और करीब 2 महीने आप यहाँ रहे थे, पूरी टीम एक्चुअली यहाँ रही थी। और पुजारेविस में 10-12 दिन की शूट हुई थी, 10-12 दिन की शूट हुई थी। और ये मैं यहाँ पर ही बात बताने के लिए इसलिए रुका क्योंकि ये क्या नाम है होटल का, सामने दुनाव होटल, दुनाव, अच्छा होटल दुनाव है। यहाँ पर टीम रुकी थी पूरी की, सभी जो जो खासतौर पर जो आर्टिस्ट थे वो कहाँ रुके हुए थे? जो मेन आर्टिस्ट थे वो बेलग्रेड से आते थे, वो बेलग्रेड से आते थे। हाँ, अच्छा, 80 किलोमीटर का रेवर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ना जैसे ना, कोई आप यूट्यूब पर जाएंगे, आप फिल्म की कुछ, आप वो जो बिहाइंड द सीन्स वाली स्टोरी, ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूँ कि जो नहीं बतानी चाहिए। हाँ, और वैसे भी ये प्रमोशन करने का कोई फायदा नहीं है। बेसिकली जो मेन आर्टिस्ट थे वो बेलग्रेड से आते थे। अच्छा, और बाकी पूरा लाइक राइट फ्रॉम द डायरेक्टर्स से लेके सब कुछ, डायरेक्टर तो काफ़ी डाउन टू अर्थ बंदा है। अच्छा, वो उनके बारे में तो कोई बोल बात ही नहीं। तो अच्छा, वो सारे जो DOPs है, डायरेक्टर है, सारे लोग इसी होटल में रुके थे। अच्छा, वो बेलग्रेड से रोज आते थे शूट के लिए? यस।
ये तो बहुत लंबा डिस्टेंस है, 2-2.5 घंटे, एक घंटे का रास्ता है। बट उनके लाइक हिसाब से यहाँ पर होटल है नहीं इस सिटी में। अच्छा, स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग है। स्टैंडर्ड नहीं, एक होता है यार, इनका जो भी है लाइफ स्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ठीक है, क्योंकि उनको जिम का एक्सेस और वो सब कुछ होटल में फिटनेस के हिसाब से वो सारी चीज़ें उनका वो सारा चीज़ यहाँ पर मेंटेन। कब हुआ था शूट ये, कौन से महीने में हुआ था ये? हमारा इस सिटी में जो हुआ था ये जुलाई में हुआ था, 2018 जुलाई 2018 में यहाँ पर पूरी फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये है उस तरफ होटल। यहाँ हंगामा थोड़ा सा ज़्यादा है, बस ये आ गया पाला चिंके न्यू डेलास के ऊपर है, बस काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये क्रेप था बेसिकली, जिसमें न्यूटेला की बजाय कुछ यूरो क्रीम थी। और सबसे बड़ी खास बात, जो हमारे यहाँ पार्ले जी होता है ना जैसे, तो वो पार्ले जी जैसा कुछ उसमें वो उसका कुछ पड़ा हुआ था वो, और उस बिस्किट का नाम यहाँ पे प्लाज्मा है, और वो बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है प्लाज्मा बिस्किट। अच्छा था, मीठा मीठा था बहुत ज़्यादा, खा लिया है और अब गर्म पानी पीने का मन कर रहा है इसको खाने के बाद। मगर आज मैंने खाता खोल लिया है सर्बियन ऑथेंटिक, जो सर्बियन चीज़ें हैं वो खाना खाने का। आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं फिलहाल निकलता हूँ। इंडिया के बाहर है, इंडिया से हो तो आपको बहुत वेलकम करते हैं, तब मुझे यहाँ का ना अच्छा लगने लगा। अच्छा, मेरा मकसद ये था कि मुझे वापस आना है क्योंकि मुझे सर्बिया में सेटल होना है और मैं यहाँ पर काम करूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत तो कॉन्टैक्ट बनने शुरू हो गए थे। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 8:20 की बस है, सबसे पहले जाके अंदर चढ़ जाऊँगा ताकि पहली सीट मिल जाए।